बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी, हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, पिछले वर्ग में हम लोग मधुलिका पाठ्य पुस्तक में संकलित अंधेर नगरी चौपट राजा शीर्षक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। उसी का शेषांश पहला दृश्य चल रहा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हलवाई गोवर्धन इनके बीच बातें होती है और गोवर्धन कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। महंत कहते हैं 7 पैसे में 3.5 सेर मिठाई। गोवर्धन कहता है जी गुरुजी यहाँ हर मिठाई 1 सेर मिलती है। तो यहीं तक हम लोग पहुँचे थे। अब आगे हम लोग देखते हैं तो नारायण दास कहता है मैंने आपसे कहा तो था गुरुजी। महंत, हाँ बच्चा, मुझे ही यकीन नहीं हो रहा था यह कौन सी नगरी है, यहाँ का राजा कौन है। गोवर्धन उत्तर देते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा 1 सेर भाजी 1 सेर खाजा। तो महंत कहता है बच्चा जिस नगरी में 1 सेर भाजी 1 सेर खाजा बिकता हो वहाँ रहना ठीक नहीं है। हमें इस स्थान को क्षण भर की देरी किए बिना छोड़ देना चाहिए। महंत उसको सावधान कर रहे हैं कि देखो ये ठीक नहीं है क्योंकि भाई 1 सेर भाजी या 1 सेर खाजा कुछ तो गड़बड़ है। तो गोवर्धन कहते हैं गुरुजी महाराज यहीं टिकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ 1 सेर है, खूब मौज करेंगे। महंत, बच्चा इस नगरी को छोड़ देने में ही समझदारी है, मेरी बात ले नहीं तो पीछे पछताएगा। मेरी बात मान ले नहीं तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मन बच्चों को समझा रहे हैं कि देखो समझदारी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके इस नगर का परित्याग करते हैं, छोड़ दें नहीं तो पीछे फिर पछताना पड़ेगा। तो गोवर्धन कहता है जी महाराज गुरुजी मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। तो महंत कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ बच्चा, अपना ध्यान रखना। लेकिन इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो गुरुजी महाराज को जरूर याद करना क्योंकि उस संकट की घड़ी में मुसीबत में हो सकता है मैं कुछ काम आऊँ। इसलिए तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तो यहाँ से कह रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना जब भी संकट के बादल मंडराएं तुमको लगे कि तुम विपत्तियों से घिरे हो कोई उपाय नहीं सोच रहा है तो एक बार मुझे स्मरण जरूर करना।
गोवर्धन कहता है प्रणाम गुरुजी, महंत का नारायण दास के साथ प्रस्थान होता है। अब एकांकी का दूसरा दृश्य आरंभ होता है और मंच पर दरबार सजा है। एक आवाज़ उभरती है, एक फरियादी है, वो अपनी शिकायत लेकर के पहुंचता है। फरियाद करते हैं शिकायत को और फरियादी शिकायत करने वाला, तो मंच पर उसी की आवाज़ सुनाई देती है, दुहाई है दुहाई है। तो राजा ने कहा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो फरियादी कहते हैं दुहाई महाराज दुहाई महाराज। राजा ने कहा अरे कुछ बताओगे, बोलो तुम्हें हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम अपनी समस्या कहो तब तो उसका कुछ समाधान होगा, बस केवल तुम दुहाई महाराज चिल्ला रहे हो। फरियादी कहते कल्लू बनिए की दीवार गिर गई। अब दीवार गिरने से क्या हुआ, तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। हुजूर मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, बकरी तो हमारी बड़ी नीचे दब गई, दीवार गिरी कल्लू बनिए की, हमें इंसाफ दिलाइए हुजूर। राजा ने कहा तो आदेश दिया कल्लू बनिए को हाजिर किया जाए। सैनिक गए, सिपाही लोग पकड़ के लिए। आज जैसी बात थोड़ी थी कि अपराधी इधर उधर फरार है पता ही नहीं चल रहा। कल्लू बनिए को दरबार में हाजिर किया गया। तो राजा ने कहा क्यों रे बनिए, तुम्हारी दीवार गिरने से इसकी बकरी मर गई, तुम्हारी दीवार क्यों गिर पड़ी? देखिए राजा के न्याय करने का जो तरीका है। अब वो सो कह रहा है कि भाई इसकी बकरी मर गई तुम्हारी दीवार गिरने से, तो तुम्हारी दीवार गिरी क्यों, कारण क्या था? कल्लू ने कहा महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। राजा ने कहा कि ओ इसका मतलब कि अब कारीगर दोषी है। फिर आदेश हुआ कि कारीगर को हाजिर किया जाए। उसने कहा कि कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को हाजिर करो। तो मंच पर दृश्य है, कल्लू जाता है और कारीगर को लाया जाता है। तो राजा कहते हैं क्यों रे कारीगर, कल्लू की दीवार कैसे गिर पड़ी? कारीगर ने कहा महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया, ऐसा खराब कि दीवार गिर पड़े। अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर दोषारोपण होते जा रहा है, वास्तविक अपराधी कौन है पता नहीं चल रहा है। भाई तो कारीगर ने चूने वाले पर दोष मार दिया।
राजा ने कहा अच्छा उस छूने वाले को बुला। कारीगर जाता है और फिर छूने वाला मंच पर आता है। राजा ने प्रश्न किया क्यों रे छूने वाले, तूने चूना क्यों खराब बनाया? छूने वाला कहता है महाराज बेस्ती कहते हैं जो पानी भरकर ले जाता है, तो बेस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। जैसे आजकल सीमेंट से बालू से ईंट जोड़ते हैं उसमें चूना का उपयोग होता था, राजा ने कहा कि अब भिस्ती को पकड़ कर लाओ वही दोषी होगा। राजा ने कहा जब भिस्ती आया पूछा क्यों रे भिस्ती इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती अपने बचाव में कहता है हुजूर सच पूछिए तो मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी, मशक चमड़े का एक थैला होता है उसमें पानी भर करके लगते हैं, तो कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? तो राजा ने कहा अच्छा तो ये बात है, अच्छा करो भिस्ती को छोड़ दो और कसाई को ले गया। कसाई को हाजिर किया गया। राजा ने पूछा क्यों रे कसाई तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? मशक बड़ी बना दी, पानी ज़्यादा चला गया, चूना में ज़्यादा पानी पड़ गया, दीवार गिर गई, बकरी मर गई, तो गलती तुम्हारी है, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई ने कहा महाराज मेरी गलती नहीं है, तब किसी गलती है? गरेड़िए ने यानी जिसको जो भेड़ पालता है शेफर्ड बोलते हैं, गरेड़िए ने टके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची, टका यानी एक रुपये में, कि मशक बड़ी बन गई। अब तो उस भेड़ का दोष है, अब मशक बड़ी बन गई, मैं क्या करूं? अब राजा ने आदेश दिया कि जाओ और गरड़िया को बुला कर लिया। तो फिर पालता है उसको गरड़िया कहते हैं। राजा ने अब गरड़िया को मंच पर लाया गया। राजा ने कहा क्यों रे गरड़िए बता तो ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने, बेचारी की बकरी मर गई? गरड़िया कहता है महाराज उधर से कोतवाल की सवारी धूम से आई तो उसकी भीड़ में ध्यान ही नहीं रहा, मेरा कुछ कसूर नहीं है मालिक। तब राजा ने कहा कि ठीक है गरड़िया को छोड़ दो, अब कोतवाल को हाजिर करो उसको पकड़ के लाओ। मंच पर कोतवाल उपस्थित होता है। राजा कहते हैं क्यों रे कोतवाल तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गरड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी?
कोतवाल कहते हैं, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन महाराज तो गुस्से में थे, उनको तो सजा सुनानी थी। अब पूरा दोषारोपण हो गया कोतवाल जी महाराज पर। कोतवाल ने क्षमा याचना की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी उस पर नजर डाली। बचाव में अपराधी तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन राजा अब एक दूसरे की बात को मानते जा रहे हैं। वो उसके लिए ये दोषी है, वो दोषी है। दीवार का गिरना, बकरी का मरना। अब दीवार क्यों गिरी? अब कारीगर अपना मत रखता है, पक्ष रखता है कि हुजूर हम क्या करें, छूने वाला जो था पानी ज़्यादा डलती। अब वो पानी ढोने वाले पर दोष देता है, फिर मशक जो भेड़ की चमड़ी की बनी है उस पर दोष देता है, करड़िया फेरा जाता है। बाकी भाई भेड़ तो बड़ी थी, तो ऐसा क्यों किया था? अब तो कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इतनी धूम से निकली कि घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल ने लास्ट चेष्टा की कि मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन महाराज ने उसे दंड दे दिया और दंड स्वरूप कहा कि ले जाओ और कोतवाल को अभी फांसी पर चढ़ा दो, इसमें देर नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दो। अब यहाँ पर सबको मौका दिया गया अपनी सफाई पेश करने का, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि राजा ने कोतवाल से प्रश्न किया कि तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? तो कोतवाल ने नहीं कहा कि महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। अब कोतवाल यदि कुछ कहता है कि हाँ इसमें गलती किसकी है, तो बात और आगे बढ़ती। तो राजा ने आदेश दे दिया कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी उसकी झलक यहाँ दिखाई देती है। तो आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।